सबसे पहले तो हम लोग सारे सिख समाज का धन्यवाद करते हैं। जब से 11 महीने से आंदोलन चल रहे हैं, हम कहीं पर भी लड़ाई लड़ते हैं। हमारे सिख भाई लंगर लेके उसके पहले ही आगे आ जाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पूर्वों ने जो एक परंपरा हमारे समाज को दी, उसका धन्यवाद करते हुए साथियों, मैं आप लोगों को एक अलग सी बात बताना चाहूंगा। भाषण से लगा 3 तारीख को जो एक घटना घटी, में रात को यहां पहुंचकर सुबह लखीमपुरी खीरी के अंदर जो हमारे किसान शहीद हुए, उनके परिवारों के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, एक हमारा भाई है 18-19 साल का, 2 बहनें, उनकी मां बीमार है, दिमाग की संतुलन सही नहीं है, पिताजी बिल्कुल सिंपल घोड़ा था। हमारे 65 साल के किसान है, उसका लड़का आर्मी के अंदर है, और हमारे को 48 साल ही बता रहे हो, बॉर्डर से दास संस्कार के लिए आए। हमारा जो पत्रकार भाई के नाम से प्रचारित है, 4 किले का बिल्कुल गरीब किसान है, पार्ट टाइम पत्रकार, इसी तरह जिस हाथी को गोली लगी, आप उसका मकान जाके देखो, सिर्फ 2 कमरे का मकान है, बिल्कुल कच्चा मकान, यानी इतनी जास्ती हमारे साथियों के साथ की। पहले उनको चैलेंज किया गया 25 तारीख को कि हम आपको यहां रहने नहीं देंगे, हमारे सिख भाइयों को स्पेशल टारगेट किया उस मंत्री, आप बड़ा बड़ा फार्म बनाए बैठे, आप बड़ी बड़ी कोठियां पाए बैठे, उत्तर प्रदेश से आपको निकालेंगे। और जब हमारे किसान भाइयों ने उनका मुकाबला करने के लिए 3 तारीख को इकट्ठे हुए, उसके घरों ताना छा के बेटे ने गाड़ी चढ़ा करके हमारे किसानों को रोंद दिया, और जब हमारी माता बहनों को पता चला, पता आपने 24 घंटे से भी ज्यादा समय लगा था दाह संस्कार का, कई बड़ी उम्र की हमारी बहने थी, बार बार बेहोश हो रही थी, रोने जा रहा था उनसे, आप अगर वो मंदिर देखते तो आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। छोटी छोटी बहने ये पूछ रही थी क्या कि हमारा कसूर क्या है, उनके पिताजी पूछ रहे थे कि क्या किसानों के आंदोलन में ज्यादा गुना है, और बहुत से साथी आज भी उनका प्रचार कर रहे हो, उन पैरों का प्रचार कर रहे हो, उस बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। साथियों, ज्यादा लंबा बोलने का समय नहीं है, मगर आप लोगों से प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा, 3 शहीदों ने कुर्बानी आपके लिए दी है, 3 शहीदों ने कुर्बानी अपने घर के लिए नहीं दी, अपने नाम के लिए नहीं दी, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए नहीं दी, अपने आप को हीरो साबित करने के लिए नहीं दी, इन शहीदों ने कुर्बानी किसान के लिए, मजदूरों को लिए दी। अगर आज एलाहाबाद की जनता उनकी उस चीज को नहीं सुन सकती, तो याद रखना साथियों, अगर यहां का कैंडिडेट की जमानत जब्त न हुई तो पूरे हरियाणा प्रदेश की इज्जत आपके हाथ में है, पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान बदनाम हो जाएगा कि बाजों के ऊपर मात्र वैसे ही चला रहे हैं। आज भी बीजेपी को गांव में वोट मिल रहा है, अगर बीजेपी को गांव में वोट नहीं मिलेगा तो प्रदेश की बात नहीं, इलाहाबाद हल्के की बात नहीं, उस मोदी का है कान टूटेगा, और उनको पता चलेगा कि अगर आप किसान और मजदूर के साथ ऐसा करोगे तो आने वाले समय में किसान और मजदूर भी याद रखेगा और आपको सबक सिखाने का काम करेगा। साथियों, एक जरूर मैं प्रार्थना करूंगा, इन किसानों का बदला लेना, बदला को बंदूक से नहीं लेना, कोई नाथीखोरी से नहीं लेना, बदला वोट की ताकत से लेना, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जरिए हमारे को ताकत दी है उसके जरिए लेना है। और एक वोट भी अगर कोई किसान के घर में पैदा हुआ, मजदूर के घर में पैदा हुआ, एक वोट भी बीजेपी को नहीं पड़ना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिखने माफी।